प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स की तैयारी। अब एंटीबायोटिक को किस तरह तैयार किया जाता है, एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के जरिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए हार्मफुल नुकसानदेह, हमारे जिस्म में जाकर मुख्तलिफ किस्म के हमें डिजीज में मुबतला करते हैं, उनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है जो कि इसको हम खाते हैं और हमारे अंदर जाकर इन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर इस तरह इन नुकसान जो नुकसानदेह जो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है जो कि हमारे जिस्म में रहते हैं, इनको मारते हैं। और इसी तरह मतलब क्या कहें, बैक्टीरिया से भी बनाया जाता है, बैक्टीरिया से ही बैक्टीरिया को मारा जाता है। और इस तरह बैक्टीरिया से क्या किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है और उनके नाम यहाँ पर देखिए, बैक्टीरिया से कई एंटीबायोटिक्स अद्वियात हासिल की जाती है, यानी कि एक्चुअली वी टॉक अबाउट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी क्या बैक्टीरिया के जो अहमियत है मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह बैक्टीरिया तो बहुत आम है, जैसा कि बैक्टीरिया की अहमियत की अगर हम बात करें, मुख्तलिफ किस्म के जानवर मर जाते हैं और इस तरह इनको क्या करती है, बैक्टीरिया खा जाते हैं, अपनी गजा हासिल करती है और इनको सिंपल यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स वहाँ पर तब्दील करते हैं, मतलब सिंपल कंपाउंड में सादा मुल्क की बात नहीं, इनको तब्दील कर देते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हमारे माहौल गंदा होता है, इस तरह हमारा माहौल साफ हो जाता है। और इस तरह यूज ऑफ इंडस्ट्री में यूज होता है, इन पनीर और मक्खन और इस तरह मतलब मुख्तलिफ किस्म के दही वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है और डेयरी फार्म में इस्तेमाल होता है और चमड़ी यानी कि जो होता है चमड़ी की सनत में इस्तेमाल किया जाता है और यानी कि टेक्सटाइल की सनत में भी इस्तेमाल किया जाता है और फाइबर्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टेक्सटाइल के जो इंडस्ट्री में यूज को जरिए फाइबर्स यानी कि बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बैक्टीरिया यानी कि जो अल्कोहल की तैयारी की जो शराब के नाम से जानते हैं उसको मतलब उसकी तैयारी में भी क्या बैक्टीरिया मतलब इसको शराब बनाती है, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इनको बैक्टीरिया ही के जरिए वो क्या होता है शराब बन जाता है जो कि नशे के लिए सबसे महंगी चीज़ है। यू नो अबाउट इट, सम यू आर नॉट अबाउट इट। और विनेगर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और एसीटोन हो, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के विटामिंस यानी कि बनाने में भी क्या होता है बहुत ही बेनिफिशियल है बैक्टीरिया, सिर्फ ही नुकसान नहीं है, बैक्टीरिया के बहुत से फायदे हैं। और हमारे जिस्म के अंदर हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और हमें ग़िज़ा को यानी कि जो हजम करने में भी क्या करता है, हम किरदार अदा करता है। और प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल कर जैसा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन, पोलियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, टेरामाइसिन, यूमाइसिन, इस तरह मतलब ये छह किस्म के एंटीबायोटिक्स है, इनको बनाने के लिए किसको, बैक्टीरिया ही को इस्तेमाल किया जाता है। और मिट्टी को भी क्या करता है, ये फर्टिलिटी के इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया।